दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले कि कटर मशीन की ब्लेड में आप फ्री में कैसे धार लगा सकते हैं। ये तरीका आपको कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है, पर आप फ्री में अभी जितनी भी पुरानी ब्लेड हो, चाहे आप कहीं से भी ब्लेड उठा के लाएं, उसमें आप बिना धार लगाए कुछ ऐसी दो ट्रिक हैं जिसकी वजह से आप उसमें धार लगा पाएंगे और उसको थोड़े से लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे, आपका कुछ पैसा बच पाएगा। वीडियो को शुरू से लाइक करो, लास्ट तक जरूर देखो और वीडियो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक आपको एकदम ख़राब ब्लेड ले लेनी है, जैसे कि मैंने ये ब्लेड ली हुई है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इससे आप काट तो लेंगे, मतलब ये गुटका है तो इससे कट जाएगा, पर उतना बढ़िया नहीं कटेगा जितना बढ़िया, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैं एक टुकड़े को काट रहा हूँ जो कि आपका लकड़ी का टुकड़ा है, जिसको काटने में काफ़ी समय लग रहा है और ब्लेड की तो आपने हालत देखी है कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो ये हमने टुकड़ा काटा है। और एक चीज़ और, जब ब्लेड ख़राब रहती है, जैसे कि इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे कि काला काला जैसे होता है, वैसा कुछ हो गया है। अब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उससे आपको कह सकते हैं फ्री में एक भी रुपया नहीं खर्च करना है आपको और अपनी ब्लेड में धार लग जाएगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक हथौड़ी ले लेना है और इसकी जितनी भी दांतें हैं, जो भी दांत हैं टोटल ए टू जेड, उसमें से एक छोड़ के एक को आपको तोड़ देना है। भले ही आपको ये सुनने के बाद थोड़ी सी पागलपंती वाली बात लगे, पर ये काम करता है। आपको पहले इसको प्रयोग करना है, उसके बाद आके आपको कमेंट करना है। तो पहले आपको हर एक जो भी ब्लेड है उसका एक दांत छोड़ के एक दांत तोड़ देना है, जैसे कि मैं हर एक दांत को छोड़ के। तो आप देख पा रहे होंगे, आप लगभग सारे के सारे दांत जो होते हैं एक छोड़ के एक, सारे के सारे दांत हमने लगभग तोड़ दिए हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं ये दांत, अगर आप साइड से देखेंगे तो उतने नहीं टूटे हैं, पर अगर आप सामने से देखेंगे तो लगभग एक एक दांत टूट गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके जितने भी एक दांत छोड़ के दूसरे दांत टूटे हुए हैं। अब पहले तो मैं काट के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ ये आखिर में काम कैसे करता है। अभी पहले तो देख लीजिए कि सारे के सारे जितने भी एक छोड़ के एक दांत टूटे हैं और ब्लेड वही है, कोई भी नई ब्लेड नहीं है। अब मैं आपको काट के दिखाता हूँ, एकदम फ्रेश, जैसे कि आप नई ब्लेड से थोड़ी पुरानी ब्लेड होती है वैसा कटेगा। देख सकते हैं ये हमने काटा है। अब मैं जो है जो भी आपने कटिंग की है उसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाऊंगा कि बिल्कुल भी कालापन नहीं आएगा, जैसा कि जब नई ब्लेड रहती है एकदम साफ कटता है, बिल्कुल वैसा नहीं, पर थोड़ा बहुत तो वैसा ही कटेगा। अब मैं आपको काट के दिखाता हूँ एक और जगह पे, इसी ब्लेड से काट के दिखाता हूँ। तो ये हमने काट लिया है। अब इसके बाद इस हिस्से को मैं तोड़ूँगा। तो ये हमने दवा देखिए आप किस तरीके से, मतलब बिल्कुल कहीं पे भी काला नहीं पड़ रहा है, एकदम साफ, जैसे कि ब्लेड काटती है बिना धोएं के, उस तरीके से बिल्कुल कटा है। अब ये काम कुछ इस तरीके से करता है कि दोनों ब्लेड के बीच में जैसे कि आरी में भराव होता है, वैसा ही कुछ इसमें भराव आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी धार आ जाती है। आप पहले इसका प्रयोग करें उसके बाद कमेंट किए। अब जो दूसरा तरीका है वो तो पूरा का पूरा रामबाण इलाज है। इसके लिए आपको एक जो भी रंधे का तेग होता है उसको लेना होगा, और जैसे कि आप आरी में भराव करते हैं वैसे ही पूरी ब्लेड, जितनी भी ब्लेड है आपको भराव करना है। अगर आपको भराव नहीं पता है तो मैं बता दूं, एक दांत को दाईं तरफ और एक छोड़ के दूसरे दांत को बाईं तरफ, इस तरीके से आपको सारे के सारे जितने भी दांत हैं उसको आपको भराव कर लेना है। अब इस दांत को भराव करने के बाद एक दिक्कत होती है जो कि मैं पहले ही बता देता हूँ। यह दिक्कत ये है कि जो भी आपका ब्लेड का नाप रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जब ब्लेड में थोड़ी सी कह सकते हैं जब भराव हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी ब्लेड एक सूत खाती है उसकी जगह पे वो डेढ़ सूत खाने लगती है। तो अब मैं एक पीस को काट के दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके का देख पा रहे हैं आप, बहुत ही धुआंधार ब्लेड चल रही है बिल्कुल बुरादा छोड़ते हुए। देख सकते हैं आपकी इसकी जो झीरी है कुछ ज़्यादा ही छोड़ने लगती है। ये तरीका आप कह सकते हैं बहुत ही कारीगर है, क्योंकि इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगना है, फ्री में धार लगनी है। तो आप पहले धार लगाइए, उसके बाद नीचे आके कमेंट करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करिए, क्योंकि
ये तरीका काफ़ी लोगों को पता भी होगा, पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसमें धार लग सकती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके ये ब्लेड कब तक चलेगी, इसका कोई वो नहीं है कि कितने दिन तक चलेगी, पर ये है कि अगर फिर से ये धुआं देने लगे तो फिर से बराव करके या फिर दांत तोड़ के आप काम चला सकते हैं। ये 100% काम करता है। पहले आप यूज़ करें, उसके बाद नीचे आके कमेंट करें।